जी हाँ, तो कांग्रेस में बहुत नाराजगी है, राहुल गांधी में नाराजगी है, और उनकी नाराजगी ये उनके बयानों और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके क्या संकेत हैं? तो जब सरकार बदलेगी, राहुल गांधी ने तब के लिए क्या कहा है, करेंगे उस पर बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। तो कांग्रेस नाराज है और आईटी के नए नोटिस पर भड़की हुई है, चुनावी मौसम में पैसे की तंगी से परेशान है। ऐसे में अब कांग्रेस के नायक राहुल गांधी एंग्री यंग मैन बन गए हैं। उन्होंने कल अपनी गारंटी दे दी और कहा कि सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दरअसल 21 मार्च को भी सोनिया, राहुल गांधी समेत कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह चुका है कि हमारे पैसे आईटी विभाग ने फ्रीज कर दिए, जिससे वो चुनाव प्रचार, विज्ञापन, रैली नहीं कर पा रहे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि टैक्स चोरी की है तो चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन सवाल उठता यह है कि क्या राहुल गांधी की नई गारंटी चेतावनी है, धमकी है या फिर हताशा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे डिबेट में, लेकिन पहले आपको बता देते हैं आज कांग्रेस की तैयारी क्या है। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन आज होने वाला है। खाते फ्रीज करने और आईटी छापे के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा आज कांग्रेस की तरफ से। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। इनकम टैक्स विभाग की जो कार्रवाई है, हाल की कार्रवाई है, उसे कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक बता दिया है। और आपको ये भी बता दें कि 1823 करोड़ के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूं ऐसी कार्रवाई होगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। तो राहुल गांधी की गारंटी क्या है? अब सवाल तो यही है, सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। राहुल गांधी ने ये सीधे तौर पे कहा है, यानी कि अगर वो सत्ता में आते, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो बड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ देखिए हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा दें, करेंगे इस पर हम आगे सवाल जवाब, उनसे चर्चा करेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी स्वागत। और प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर हम जाएंगे और फिर लौटेंगे अपने इस बहस पर। देखिए, जो भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था आज, वो भारत रत्न दिया जा रहा है, उसकी उस समारोह की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे गृहमंत्री अमित शाह नजर आ रहे होंगे, जेपी नड्डा नजर आ रहे होंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद है ही, उनके साथ साथ खड़गे भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो एम एस स्वामीनाथन, जिन लोगों को भारत रत्न आज दिया जाना है, अगर उनके उनकी बात करें तो देश के समाज और राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले वो नाम है। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी।
प्रदेश की 5 शख्सियतें मनकोंबु सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए धन्यवाद आडवाणी समेत 5 शख्सियतों को भारत रत्न मिल रहा है और ये सम्मान समारोह की तस्वीरें जिसमें से 4 को मरणोपरांत मिला भारत रत्न सम्मान जिसमें आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके परिजन भारत सम्मान लेने पहुंचे सर्वोच्च सम्मान लेने पहुंचे पीवी नरसिम्हा राव कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल रहे आडवाणी लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है इनके परिजन पहुंचे भारत रत्न सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया था 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है और कुछ दिन पहले इन 5 अवार्ड का भी ऐलान किया गया था दरबार हॉल से प्रस्थान कर रही हैं अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी दरबार हॉल से इस समारोह के समापन के पश्चात विदा ले रहे हैं आईटी का नोटिस जारी हुआ कांग्रेस को लेकिन राहुल गांधी सामने आए अपनी गारंटी के साथ क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब सरकार बदलेगी तो वो गारंटी देते हैं कि बदल जाएगा सब कुछ ये सवाल उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से और हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें आपको कि आईटी के नए नोटिस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़की हुई है कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस आईटी विभाग की तरफ से यानी इनकम टैक्स की तरफ से जारी किया गया है और जो साल बताया जा रहा है जो बकाया है कांग्रेस को वो ये कि ये डिमांड नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए है ये डिमांड नोटिस कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं 2020-21 के लिए है और डिमांड नोटिस में जुर्माने के साथ यानी कॉम्पनसेशन के साथ इंटरेस्ट भी शामिल किया गया है ब्याज भी शामिल किया गया है 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो चुकी है टैक्स असेसमेंट को लेकर दरअसल ये याचिका थी कांग्रेस की जिसको कांग्रेस को एक तरह से बहुत बड़ा झटका इसमें लगा है लेकिन हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है डिबेट करने के लिए उनके पास चलेंगे हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी हैं सिद्धार्थ शर्मा हैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी हैं और साथ ही अवधेश कुमार जी उनके पास चलेंगे लेकिन कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप बहुत सारे लगा दिए हैं वो आरोप सुनाना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है तो सबसे पहले ये सुनिए कि कांग्रेस ने आरोप क्या लगाया है अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे
हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए हैं, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं, टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करेगी है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। और आपको ये भी बता दें, जिस तरह से आपने सुना, कांग्रेस ने एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए। राहुल गांधी ने भी बताया, पहले खाते फ्रीज करने को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इनकम टैक्स। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास चलेंगे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इस वक्त जो कांग्रेस के मेहमान हैं, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। प्रोफेसर साहब, ये राहुल गांधी जब गारंटी के साथ सामने आए तो ये गारंटी कम लग रही है, एक तरह से ये धमकी ज्यादा लग रही है जो आरोप आ रहे हैं आपके सामने, कि इस तरह से क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी? तो निधि जी, वर्ष 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। भारतीय राजनीति में पहले विपक्ष को सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता था और विपक्ष को विपक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता था। इन्होंने विपक्ष का अर्थ कर दिया शत्रु, विपक्ष होने का मतलब है शत्रु होना, तो ये संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं रही। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब चुनाव हो रहे हैं तो सभी राजनीतिक दलों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत होती है। ये 1993-94 को आधार बना के, अभी जैसे हमारे माननीय नेता आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि 53 करोड़ का इन्होंने लायबिलिटी दिखाया 93-94 का, आप ये समझ लीजिए कि आप 3-3 दशक पुरानी बात को खोद कर निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं? जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी चुनाव की तैयारी में सारे दल लगे हुए हैं, उस समय में आप ये काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, लोकतंत्र का चीरहरण इन्होंने पूरे देश के समक्ष एक बार नहीं, बार बार किया है। अभी चंडीगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह इन्होंने दुरुपयोग करके वहां, जब 36 वोट में ये 8 वोट की चोरी कर सकते हैं तो पूरे देश में कितनी करेंगे? तो गंभीर आरोप है कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और उन्होंने हस्तक्षेप किया और जिसको वास्तव में मेयर चुना जाना चाहिए था। तो अब तो आप लोगों ने खुल के कह ही दिया है कि सरकार बनी तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, नेता जुड़े हुए हैं। शलभ मणि जी, सवाल अब यही है कि उनका कहना है कि चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, आगे ऐसी कार्रवाई होगी, तो चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स के ऐसे नोटिसेज आना, ऐसे पुराने मामले को खोलना, ये सब क्या संकेत है? वाकई में क्या एक बड़े लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया से विपक्ष को अलग थलग, बाहर और सीमित रखने की कोई योजना है, कोई प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये अंदाजा लग चुका है, राहुल गांधी जी को भी अंदाजा लग चुका है कि 2024 का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, और यही वजह है कि बहाने तलाशे जा रहे हैं।
आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इनकम टैक्स विभाग एक स्वतंत्र विभाग है, अपना काम करता है। तो जाइए वकील तलाशिए, इनकम टैक्स के वकील इसी काम के लिए होते हैं, तमाम सारे जो सीएज होते हैं वो इस काम के लिए होते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने चोरी की, और ये पहली बार नहीं है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे जीप घोटाला रहा हो, चाहे वो कोर्स घोटाला रहा हो, चाहे 2G 3G 4G दामाद जी घोटाला रहा हो, चाहे कोयला घोटाला रहा हो, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। और जब पकड़े जाते हैं तब लोकतंत्र के हनन की बात चिल्लाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 2019 में आपके नेता राहुल गांधी अमेठी क्यों हार गए? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज आप अमेठी में दोबारा राहुल गांधी को लड़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई जवाब नहीं कि रायबरेली में आपके पास कैंडिडेट क्यों नहीं है। तो देश की जनता ने आपकी इन्हीं हरकतों के चलते आपको अस्वीकार कर दिया है, बजाय इसके कि इनकम टैक्स का नोटिस आया है, आप कोर्ट जाइए, आप जाके इनकम टैक्स के वकील के जरिए अपनी बात रखिए। तो राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो ये बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो चुकी है, कुंठा की इंतहा हो चुकी है। कभी वो मीडिया को धमकाते हैं, कभी देश की जनता को धमकाते हैं, कभी नॉर्थ बनाम साउथ करते हैं, आज वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो ये धमकाने वाली भाषा खत्म हो गई, ये धमकाने वाली भाषा, इस देश ने इस धमकाने वाली भाषा को अस्वीकार कर दिया है। और लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण तो तब देखा कि जब इस देश में एक नेता को जिताने के लिए इस देश में इमरजेंसी थोपी गई, इमरजेंसी लगा के लोगों के लोकतंत्र को बूटों के तले रौंद दिया गया। एक परिवार गांधी परिवार पूरे देश पर सम्राट की तरह राज करता रहा, जैसे राज परिवार होता है। और केवल इंदिरा गांधी जी का चुनाव हारने के चलते, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को कोर्ट ने कहा कि बेईमानी की, बकायदे कोर्ट ने कहा है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि बेईमानी हुई। तो आप तो तब के बेईमान है, आप तब से बेईमानी करते चले आ रहे हैं। और वही बेईमानी जैसे खत्म हुई वैसे राहुल गांधी चुनाव हारने लगे, वैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आने से डरने लगे। क्योंकि आज लोकतंत्र है, आज देश की जनता उठ खड़ी हुई है, तो देश की जनता को जवाब दीजिए, इनकम टैक्स के अधिकारियों को धमकाने का प्रयास मत करिए। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही शलभमणि त्रिपाठी। अवधेश कुमार जी मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ये कह रही है कि आप देश की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। बीजेपी क्या क्या इसके जरिए विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस तो कह चुकी है हमारे पास तो नकदी संकट है, हमारे पास पैसे नहीं है, रेलवे के टिकट नहीं है, जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये क्या इसी वार पलटवार में उलझे रहेंगे, मुद्दे कहीं ना कहीं धूमिल होते चले जाएंगे? देखिए, एक पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव लड़ने के अनुकूल है और उसके खाते फ्रीज होते हैं और इनकम टैक्स इतने बड़े बड़े नोटिस देती है, पहले 135 करोड़ 200 करोड़ फिर अब 1800 1900 करोड़, तो पार्टी को परेशानी होनी स्वाभाविक है। अगर चंदे की कमी है तो उसको चुनाव लड़ने में भी समस्या आएगी। लेकिन क्या इसका उत्तर वही है जो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है? क्या इसका हल वही है? मूल बात यह है, इससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व वो इस प्रकार से किंकर्तव्य विमूढ़ है कि उसको किस समस्या का क्या समाधान है करना ही नहीं है। हर चीज पर देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो गया, इनकम टैक्स की नोटिस है, हाई कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर चुका है। अवधेश जी, लेकिन ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कही है। इस वक्त देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चल रही है कांग्रेस की, जरा रुख करते हैं उसका। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी वहां जरूर मौजूद होंगे और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वहां होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं आपको, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। हो सकता है सोनिया जी भी वहां रहें, पर इन दोनों का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो कल हो रहा है। So you've said that the rally is to save the constitution and democracy, but since elections are around the corner, do you also see it as a show of strength and unity for the India bloc and send out a message to the voters? No, that was certainly the purpose of the March 17th rally in Shivaji Park, and that's certainly one of the purposes of the March 31st rally. We want to show a sense of solidarity. And a sense of unity and a sense of collective purpose on these issues that I have mentioned. Number one, the most important issue, pressurized unemployment, worsening economic inequality. Second, the issue of electoral bonds, the big scam, the biggest scam in postal rewritten. And redo the entire constitution of which Dr. Ambedkar was the prime architect. These are the issues. So it is a Save Democracy rally. It's a protect Dr. Ambedkar constitution rally. Sir, sir, yeah, sir, one minute. Sir, you mentioned that you have received two more notices
yesterday night. So can you please share the details from which department? I'll share it with you separately. सर ये क्या वजह है कि इफ वी डोंट रिसीव तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जैसा कि हम बता भी रहे आपको कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह से एक अलर्ट करके एक चेतावनी भरे शब्द में कहा गया है कि हम सत्ता में आए तो हम क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ अब सवाल यही है, अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि डिपार्टमेंट के किसी भी कार्य को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट या इस तरह का बयान आपको कितना डेमोक्रेटिक लगता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे? जी रवि जी, मेरे ख्याल से आपका जो सवाल है वो वाजिब है, लेकिन इससे पहले निधि जी जो बोल रही थी ना कि इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो क्या जनता के मुद्दे इस चीज में खो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो टेलीविजन डिबेट में हैं, हम लोग तो अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, लेकिन जनता जो है वो तो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होती है, वो तो चाहती है कि मेरे मुद्दे क्या होंगे। तो असल में मूल बात यह है कि सरकार नाम की जो इकाई होती है उसका काम क्या होता है। सरकार नाम की इकाई क्या सेवा देने का संस्थान है या सजा देने का संस्थान है? जैसे हम लोग सभी मोबाइल डाटा यूज करते हैं, हम कंपनी को पैसा देते हैं उसके बदले वो हमको डाटा देती है, ये तो हुआ सेवा का मॉडल। अब दूसरा होता है एक सजा का मॉडल कि हम पूरे दुनिया के सभी लोगों को हम टाइट करेंगे। तो आप मेरे ख्याल से सरकार को, क्योंकि हर व्यक्ति हर छोटा काम करते समय भी सरकार को टैक्स देता है, तो सरकार का काम होता है सेवा देना। दुर्भाग्य से भाजपा ने समझ लिया है कि हमारा काम है लोगों को टाइट करना, तो पहला मॉडल होता है लोकतंत्र का, भाजपा ने इसको समझ लिया है ठोक तंत्र। तो आप अगर ठोक तंत्र कीजिएगा तो आप चाहें या नहीं चाहें, अमेरिका और जर्मनी जैसे लोग बात करेंगे इसके बारे में, मैं भी उसकी भर्त्सना करता हूं कि अमेरिका को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे भर्त्सना करने से क्या होता है, बोल दिया अमेरिका ने, दूसरे बार भी बोल दिया, अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बोल दिया। तो आप अगर लोकतंत्र को ठोक तंत्र कीजिएगा तो होता यह है कि जब सीता को रावण जबरन हिरासत में रखेगा तो स्पष्ट है कि सीता तो कोई विरोध करेगी नहीं, वो तो पालथी मार के बैठ जाएगी अशोक वाटिका में। अब वानर सेना वो करेगी जो उसे रिहा करने के लिए जरूरत है। यहां पर मेरा तात्पर्य है सीता यहां पे सज्जनता है और वानर सेना भारत की 140 करोड़ जनता है, और वो कल रामलीला मैदान में दिख जाएगा कि भाजपा का नैरेटिव इस देश में फेल हो चुका है। भाजपा का नैरेटिव नहीं है, अब भाजपा का अत्याचार के खिलाफ युद्ध है और हिंदू धर्म में क्रूरता का कोई स्थान नहीं होता है। मेरी बात खत्म हो गई। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि प्रदर्शन का हक है, वो हर नागरिक का हक है, प्रदर्शन किया जाना चाहिए। निधि मैंने अपनी बात शुरू की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया था। हाँ जी आप बोले, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी एक लाइन आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी और मुल्क में ये हक नहीं होना चाहिए कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे। इस बात के लिए विरोध जताया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से, उसका विरोध जता दिया, लेकिन मेरी बात कोई मानता नहीं है। किसी और मुल्क में ये हक नहीं होना चाहिए कि आंतरिक मामला है। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बोल दिया, अब तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ अब देखिए आप बोलिए संयुक्त राष्ट्र। देखिए ऐसा है कि सिद्धार्थ जी या कोई, देखिए वीर रस के कवि सम्मेलन से कानूनी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है कि आप अगर इतनी जोर से इसको वीर रस का कवि सम्मेलन बनाएंगे, बानर सेना और रावण का कैद, तो जो समस्याएं हैं यही तो कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को समझ में नहीं आ रही। किसी की प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिका में भारत के एक पत्रकार को आप बैठा के सवाल पूछवा लेते हैं कि इंटरनेशनल इशू हो जाएगा, या जर्मनी में आप सवाल करवा लेते हैं किसी से कि इंटरनेशनल इशू हो जाएगा, उससे आपके न्यायालय पर थोड़े दबाव आने वाला है। यह पूरा मामला न्यायालय का है, इनकम टैक्स इनकम टैक्स का मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस की अपनी नादानी से यहां तक मामला पहुंचा है और आप उसको धमकी तक ले जा रहे हैं कि इनकम टैक्स के अधिकारी समझ ले। क्या इनकम टैक्स के अधिकारी समझ ले? अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा होता, समय पर नोटिस का जवाब दिया होता, चले गए होते तो यह समस्या आती नहीं। दो बातें हैं, या नहीं है तो इनकम टैक्स तो आप जानते हैं कि अवधेश जी ऐसे ही नोटिस भेजेगा, इन्हें का उल्लंघन किया है तो आप देश में अवधेश जी अभी इसको समझने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। दो बातें हैं, एक तो लीगल मामला है, उसका जवाब लीगल ही हो सकता है, उसको कहीं लेकिन हो रही है। लेकिन जो बयान पॉलिटिकल तरीके से दिया जा रहा है उसका पॉलिटिकल आंसर क्या होगा, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या स्टैंड है इसको लेकर। और देखिए हम रंजीत जी के पास चलेंगे, शलभ मणि हमारे साथ जुड़े उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपके लिए कि कांग्रेस के टैक्स विवाद की पूरी जो टाइमलाइन
डेडलाइन है वो क्या रही है, जरा हम उसको भी उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए 13 फरवरी आईटी ने 105 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा और 16 फरवरी कांग्रेस ने कहा कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद 21 फरवरी की तारीख आती है, कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि आईटी ने इनकम टैक्स ने 65 करोड़ से ज्यादा निकाल लिए। 8 मार्च को आईटी एटी से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई और उसके बाद फिर 11 मार्च की तारीख आती है जिसमें कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उनकी याचिका खारिज हुई। 13 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। 19 मार्च को कांग्रेस ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 20 मार्च को हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। 21 मार्च को सोनिया राहुल खड़गे समेत 6 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस की याचिका खारिज हो गई। या फिर 29 मार्च की तारीख आती है जब कांग्रेस का आरोप है कि केसरी के जमाने की डिमांड भेजी गई और फिर ये लगातार राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगा दिया। तो रंजीत जी, अगर कोई पैसा बकाया है, जो टैक्स आता है वो हर नागरिक भरता है, अगर कोई पैसा बकाया है तो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा, वो चुकाना चाहिए। और पूरी तारीख के साथ बताया जा रहा है, साल के साथ असेसमेंट बताया जा रहा है 2017 से लेकर 2021 तक। निधि जी, एक बात समझिए कि भारत के राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है, पहली बात तो ये आप समझें। दूसरी बात ये समझें कि अभी आपने देखा था प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि 14 लाख के मुद्दे पर 200 करोड़ का जुर्माना कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया, ये कहां का न्याय है? दूसरी बात कि कहां से खोद कर ला रहे हैं, 1993-94 से खोद कर ला रहे हैं, तो यही बताता है कि ये बदले की कार्रवाई है। और आपको बता दूं कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, 96% केसेस किनके खिलाफ हो रहे हैं? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.4%, यानी आप 100 में एक व्यक्ति को भी आप दोषयुक्त नहीं करार दे पा रहे हैं। यह बताता है कि आप बदले की भावना से कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने टाइमिंग बताई, अभी लोकसभा चुनाव होना है, मार्च में उसकी अधिसूचना जारी होनी थी और फरवरी से इन्होंने काम शुरू किया और बार बार कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। एक सेकंड, वो कंप्लीट कर दीजिए, एक सेकंड अवधेश जी आऊंगे आपके। हाँ, कंप्लीट करें। हाँ निधि जी, ये भी बताता है कि ये बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की देख रेख में चलाई गई है। दूसरी बात आपको एक चीज बता दूं, हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी को तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अभी 8200 करोड़ रुपए का जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, वो चंदा नहीं, चंदा के बदले धंधा दिया। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। शरद मणि, आप रिस्पॉन्ड करिए और यही काम किया, आप रिस्पॉन्ड करिए और साथ ही इसका भी उत्तर दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है जो टाइमिंग है इन सब चीज की, उसको लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्यों ना ये प्रश्न हो कि ये सब फ्रेम किया हुआ है, जानबूझकर एक समय चुना गया है जिसमें विपक्ष के दलों के सामने एक अलग ही मुसीबत खड़ी हो जाए। भाई देखिए, ये कोई कत्ल कर दे या चोरी कर ले और फिर कहे कि टाइमिंग गलत है, कत्ल क्यों किया, चोरी क्यों की, और भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो इनकम टैक्स विभाग को जाके जानकारी दीजिए ना। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से तो भगाए जा चुके, वहां से तो रिलीफ मिली नहीं। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, सम्मानित प्रवक्ता, बात कर रहे हैं जर्मनी की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो अभी तक तो हम पाकिस्तान और चाइना को देखते आए कि जब भारत ठोंकता था तब भाग के चिल्लाते थे, उनको पिता बना लेते थे, किसको, जर्मनी को, संयुक्त राष्ट्र संघ को। आज कुछ भारत की सियासी पार्टियां हैं जो पिता बना रुक चुकी हैं, जाके जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रही हैं और बात करते हैं कि डेमोक्रेसी का विश्वास है, भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है, किसी जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं चलता। और आप वही है ना जो, लेकिन मुझे 5 सेकंड दे दिए, 5 सेकंड, ठीक है ठीक है, आप वही है। जरा एक बार इनकी टाइमिंग देखिए, चिल्ला चिल्ला के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी बेईमान है, राहुल गांधी बेईमान है, जेल भेजो, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शराब के दलाल है अरविंद केजरीवाल, इनको जेल भेजो, ये बेईमान है केजरीवाल, इनको जेल भेजो। आज जब जेल जा रहे हैं तो दोनों चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं जमानत करा पाए मनीष सिसोदिया की, क्यों नहीं जमानत करा पाए संजय सिंह की, क्यों नहीं जमानत करा पाए अपने जो मंत्री आपके सत्येंद्र जैन है,
क्यों नहीं जमानत करा पा रहे अरविंद केजरीवाल की? तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वहां पे आपकी चोरी पकड़ी जाती है, और जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं। ये नहीं कहते कि आपने चोरी की है, क्यों शराब के नाम पर पूरी दिल्ली को भेज दिया, क्यों कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। अगर आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है, तो आप जाइए। तो दो टू पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब चोरी की है तो फिर उसका सामना करिए, अगर अगर आरोप लगे हैं तो फिर उसका बताइए कि क्यों आरोप लगे हैं, उसकी सफाई दीजिए आप। लेकिन ये तरीका नहीं है ना भाषा का जो राहुल गांधी कहते हैं मीडिया के आगे सामने कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और हमारी सरकार आई तो फिर बदल जाएगा सब कुछ, ये चेतावनी ज्यादा है, ये कि ऐसी भाषा क्यों बोली जा रही है? निधि जी, चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये जो 8,200 करोड़ रुपए का चंदा है, ये क्या एक्सटॉर्शन मनी है? आज आपने रेड किया, अगले दिन उन्होंने आपको चंदा दे दिया, और इस तरह की एक नहीं सैकड़ों अब उदाहरण पब्लिक डोमेन में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इस तरह का एक्सटॉर्शन एजेंसी कैसे इन्होंने बनाई, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक घोटाले इन्होंने क्यों किए। एक बात मैं अपनी बात कहके पूरी करूंगा निधि जी, देखिए मूल बात क्या है, इनकी बौखलाहट क्यों है इतनी, इसलिए कि इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, इनका जो सर पे है। चलो अब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप, आपके आरोप पे वो कुछ कहना चाह रहे थे, सुन लेते हैं, देखिए समय कम है हमारे पास, 20 सेकंड है बस। कांग्रेस के प्रवक्ता वही तकनीकी बता रहे हैं जो इन्होंने झारखंड में और छत्तीसगढ़ में इन्होंने अडॉप्ट की। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कार्रवाइयां की, और कार्रवाई के बदले में इन्होंने चंदे लिए, तो इनको लगता है बाकी सारे लोग ऐसा करते हैं। अरे भैया, इस देश की बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और 400 सीटें आने जा रही है, इसके पहले भी 350 से ऊपर सीटें हैं, तो लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते, धमका धमका के पैसा लिया। तो आपको लगता है असल मुद्दा ये है कि इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया, राहुल गांधी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। अवधेश जी जल्दी से, हम आखिरी पड़ाव पर हैं डिबेट के। देखिए मिश्रा जी कह रहे थे बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स से छूट है, लेकिन 13A का पालन नहीं करने के कारण ही कांग्रेस से छूट ले लिया है। तो कांग्रेस को कोर्ट में लड़ना चाहिए कि हमारी छूट पहले तो दे वापस करिए, तब जाके आप मूल्यांकन करिए। तो कांग्रेस अब बीजेपी को गाली दे के और धमकी दे करके, देखिए राहुल गांधी जैसे इतने बड़े स्टेचर का नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को धमकी दे रहा है, तो उसमें क्या कोर्ट को भी मान लिया जाए, क्योंकि कोर्ट फैसला दिया है। इसका मैसेज इतना बुरा जा रहा है कि पार्टी एक फ्रस्ट्रेटेड है, पार्टी कुछ भी बोल सकती है, पार्टी गैर जिम्मेवार है। ठीक है, तो दोनों कांग्रेस के हित में नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जो संदेश दिया गया उनको, उसमें दोनों पार्टियों के जो रिस्पांस है वो तो नजर आ ही रहे, लेकिन निश्चित तौर पर सामने एक बड़ा चुनाव है, तो इसको लेकर गर्मा गर्मी होगी, गहमा गहमी होगी ही, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।